या अभी भी वही कांग्रेस के अध्यक्ष हैं? अगर नहीं तो कौन है कांग्रेस का नया अध्यक्ष? आज यही सवाल हमारे देश की जनता के दिमाग में चल रहे हैं कि कौन है आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष। नमस्कार, मैं हूं ट्विंकल कानानी और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। लीजिए साहब, राहुल ने तो आज फिर साफ कर दिया है कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हूं, मैं इस्तीफा दे चुका हूं। यहां तक कि उन्होंने यह भी कह डाला कि मुझे क्या पता CWC तय करेगा कि नया अध्यक्ष कौन होगा, मैं तो इस्तीफा दे चुका हूं, मैं तो अध्यक्ष नहीं हूं। जी हां, बहुचर्चित कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, कांग्रेस में पार्टी अध्यक्ष को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल इस्तीफे पर अड़े हैं। वही पार्टी के भीतर नए अध्यक्ष को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। युवा बनाम बुजुर्ग के बीच पैच फंसा हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस दरबार में गहमा गहमी जारी है। सूत्रों के आधार पर गांधी परिवार के भरोसेमंद लोगों में से एक सुशील कुमार शिंदे और दलित चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही युवा सचिन पायलट का नाम भी रेस में है। वैसे सूत्रों के अनुसार अभी तो मोतीलाल वोरा को कांग्रेस की कमान सौंपी जाने की चर्चा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। हालांकि CWC ने राहुल का इस्तीफा नामंजूर कर दिया था, लेकिन राहुल अपने फैसले पर कायम है। सोमवार को भी कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने राहुल के पद पर बने रहने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने। न्यूज रूम से कैलाश सिसोदिया की रिपोर्ट। इधर राहुल के आत्मसमर्पण से कार्यकर्ता परो केस में है। चर्चा है आखिर कहां जाकर रुकेगी कांग्रेस के अध्यक्ष की तलाश। भैया, हमें तो लगता है कि हर नेता डूबती नैया का खिवैया बनने से बचना चाह रहा है। बने रहो राहुल भैया, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। और आप भी ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।